Welcome to our distinguished guest, Bageshwar Dhirendra Krishna Shastri. Ram Siya Ram, Siya Ram. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों दुबई में हैं। जश्न मनाया जाए, क्या वजूहत है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं दोस्तों। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इन्वाइट किया जाता है और वहाँ के शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा। तो और सुने, दुबई पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वहाँ के लोगों की जमकर तारीफ भी की। जरा सुनिए। दुबई से अबू धाबी आए, राम मंदिर के दर्शन किए। ये एक ऐसी धरती है जो अद्भुत है, कलरफुल भी है और कलरफुल के साथ साथ यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। सुनते जाइए। इंडियंस को वो इन्वाइट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को दुबई बैन कर रहे हैं, ये भी तो फर्क है ना? तो अच्छी बात है, ऐसे लोग वहाँ पे होने ही नहीं चाहिए। एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया, एक टाइम था सऊदी के अंदर से, दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया। अब वही उन्हीं के आगे उलादे, उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें। क्यों? अरबी कहावत है और वो अरबियों के लिए ही है। अच्छा। गैरत जब जंग आलूद हो जाए तो तलवारें सिर्फ रक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस वक्त जो इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं उनकी गैरत जंग आलूद हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बात करी जाए दुबई की, यूएई की, तो ऐसा लगता है कि पूरा सऊदी अरबिया भगवा में होता जा रहा है। ये उन लोगों की एक नई चाल है। किसी भी हिंदुस्तानी ने ये कल्पना नहीं की होगी कि सऊदी अरब के शेख, जहाँ से इस्लाम बना चला, इस्लाम का गढ़, जहाँ से इस्लाम पूरे संसार में फैला, वहाँ के लोग आज सनातन के प्रति इतना सम्मान दिखाएंगे, इतना प्रेम दिखाएंगे और उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। ये सब देख के तो सनातनी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुशी होते हैं और उनका खुश होना बनता भी है। अगर दूसरी साइड देखा जाए, जो कि कन्वर्टेड मुसलमान है, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, साउथ एशिया के जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान है, यूएई वाले को इस तरीके से सनातनियों के पैरों में गिरता हुआ देख के सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगती है तो वो लगती है पाकिस्तानियों, कन्वर्टेड मुसलमानों को। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा धीरेन्द्र शास्त्री जी दुबई क्या पहुंचे, पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में तो बम पटाखे की फुलझड़ी छूट गई। सऊदी के ए बिलियनियर हैं शेख, और ये देखिएगा, ये साथ इनके ना इंडियन है जो कि दम वगैरह करता है, उनके देखे कदमों में बैठे हुए दुबई के, दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर, क्या वजूहत है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों, क्या वजूहत? एक्चुअली हिंदू जो है ना, वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। यही तो कयामत है। पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद है। अभी भी वक्त है पाकिस्तानियों, सुधर जाओ, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो, सनातन की शरण में आ जाओ, घर वापसी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई हैव सीन, और इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, जलवा है हमारा। इंडियंस को वो इन्वाइट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को दुबई बैन कर रहे हैं, ये भी तो फर्क है। तो अच्छी बात है, ऐसे लोग वहाँ पे होने ही नहीं चाहिए जो उनकी कंट्रीज के लिए सर्व करने के बजाय उन पे खुद बोझ बने हुए हैं। सर क्यों? पाकिस्तानी जो देखना, हर 6 महीने बाद अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए। फिर पॉलिसीज जन बार बार चेंज होती है, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, बट डरे डरे रहते हैं। वेयर एज इंडियन जो है ना, दे आर ब्रेव और कंपैरेटिवली, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा, वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी, ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, चाहे दुबई वाले हों चाहे सऊदी अरब हों। शहजादा सलमान की भी आप मिसाल देख लें, उन्होंने करोड़ों रियाल जो है ना इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और वेयर एज यहाँ जो है तिफल तसल्ली होती है। दुबई की जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है हाँ। और वो भी इंडियंस है, ठीक
ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। दुबई भी रॉयल फैमिली की अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उनके स्टेक्स हैं, हमारा कोई स्टेक नहीं है सीरियसली। और वो इंडियंस रन कर रही हैं उनका बिजनेस, शेख खुद से बिजनेस रन नहीं कर सकते, जितनी उनके मेन बिजनेस है उसकी लुक आफ्टर सारी इंडियंस के पास है। हम पाकिस्तानी इस काम में हैं ज़रूर, लेकिन उनसे बहुत पीछे हैं वहाँ पे ना। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से वही वाली बात है कि हमें लॉलीपॉप पे हैं, वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट रियल में है। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है, क्योंकि अब ज़्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज़्यादातर इंडियन ही हैं, तो ज़ाहिर वो उनको प्रमोट कर रही होंगी तो ये वहाँ पे गए। क्या वजूहत है कि दुबई की बीवियों दुबई के शेख ने बीवियाँ की तो यहूदी और इंडियन आपके मुताबिक? क्या तो मैं कुछ नहीं कह सकता भी वो क्यों गए, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? नहीं देता, बिल्कुल नहीं, ऐसे करने नहीं चाहिए। सर एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया, एक टाइम था सऊदी के अंदर से दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया, अब वही उन्हीं के आगे औलादे उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें क्यों? वही मंदिर भी तो वहीं पे बन रहे हैं ना, अब शेखों के पास ही बन रहे हैं, क्यों सर? ये चीज तो प्रमोट होनी नहीं चाहिए, खासकर इस्लाम के अंदर। तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है, वाह वाह। वो लोग अब कर रहे हैं तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी। मैंने सनातन धर्म को समझा ना, वो लोग बहुत पीसफुल हैं, ठीक है, वो किसी को भड़काते नहीं है, वो जस्ट अगर हम उनके पंडित की बात कर लें, वो मंदिर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वो पूजा करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, इस वजह से लोगों को उनसे किसी किस्म का खौफ नहीं है, ना किसी इंडियन ने बाहर जाके किसी के साथ स्कैम किया है या पैसे लेके फरार हो गया है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन्होंने अपना एक इमेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बाहर की कंट्रीज में। क्या राइट्स देना या सेकुलर होना गलत बात है? राइट्स देना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अब अगर दुबई के अंदर मंदिर बना है तो ये तो उनका राइट है क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा है ना, लेकिन क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बने? नहीं देता। क्या दुबई के लोग और शेख जो हैं सऊदी के हों या दुबई के हों वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड के हवाले से? क्या उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं या पाकिस्तान के वो वर्थ नहीं रही जो एक टाइम पे पाकिस्तान था? नहीं, अभी वो वर्थ नहीं रही पाकिस्तान की इस हिसाब से, तिजारत के हिसाब से। तो जाहिर है वो जो गैर मुस्लिम है वो फिर जब भी तिजारत करते हैं तो अपना लेन देन का हिसाब था बिल्कुल ठीक रखते हैं, ये हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज खत्म होती जा रही है। इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है, लोग उनको वीजे फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीजे के हैं, उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर है उसको मजीद आगे कर रहे, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है सेकेंड नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बाहर के ममालिक में बच्चा भी नहीं जानता, क्यों? बहुत दूर हो चुके हैं हम इन चीजों। अब ये देखेंगे अगर आप खाली एक कोई जोहर की नमाज का ले लें, पूरी मार्केट में घूम रहे होते हैं लोग, मस्जिद में चंद लोग होते हैं, तो जाहिर है जिसने अपनी इबादत करनी है उसको खुद सोच समझ होनी चाहिए कि यार किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान, बस ये बर्बादी की तरफ ही जा रहा है, इसका अभी कोई परेशानी हाल नहीं है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना, जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।